हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आप सभी का। फ्रेंड, आज की वीडियो है पैंट स्टिचिंग की। तो सबसे पहले मियानी है, मियानी। तो देखिए, हमने पैंट को कट करके ले लिया है, मियानी भी कट कर लिया है। तो पैंट में हमें फ्रंट पार्ट में मियानी लगानी है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें मियानी लगानी है। तो इस तरह से मियानी को रखते हुए ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से रखेंगे और मियानी तक हमें स्टिच लगानी है। अब यहाँ मियानी तक हमने स्टिच लगा लिया है। अब दूसरा पार्ट, फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट रखेंगे। अब मियानी के ऊपर इस तरह से रखना है और अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तब यहाँ से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। एक तरफ से तो मियानी तक ही लगानी है और दूसरे तरफ से मियानी से ऊपर तक पूरा दोनों पार्ट को मिलाते हुए ऊपर तक सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट की मियानी हमारी लग चुकी है। अब बैक पार्ट की लगानी है। तो बैक पार्ट में एक तरफ से हमने लगा लिया है, उसी तरह से लगेगा। तो देखिए, अब दूसरा पार्ट भी यहाँ से हमें मियानी पे रखेंगे, मियानी पे रखना है। देखिए, यहाँ से अब अच्छे से मिलाते हुए, ध्यान रहे खींचना नहीं है कोई भी पार्ट को। अब यहाँ देखिए, इस तरह से लगाते हुए इसको पूरे में सिलाई लगानी है ऊपर तक। तो देखिए, पीछे वाले पार्ट में भी मियानी लगकर रेडी हो गया है। अब दोनों पार्ट को रखना है सीधी सीधी तरफ, एक एक तरफ रखना है, उल्टी तरफ से हमें सिलाई लगानी है साइड की। तो यहाँ अच्छे से मिलाएंगे और साइड की पूरे स्ट्रेट में सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ तक, यहाँ से हमें ऊपर से एकदम नीचे तक, बॉटम तक हमें सिलाई लगा कर रेडी करना है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है। अब दूसरी साइड की भी सिलाई हमें नीचे तक पूरी लगानी है, बॉटम तक। अब देखिए, सिलाई लगाकर रेडी हो चुका है। तो अभी हमें बॉटम फोल्ड करना है। तो बॉटम आप जितना लिए हैं वहाँ से फोल्ड करना है। तो 2 इंच हमने लिया है बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो पूरे में इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगानी है और स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। फिर 1/2 इंच हमें फोल्ड करना है। फिर यहाँ से जो हमने लाइन क्रिएट किया था वहाँ से फोल्ड करना है। देखिए, यहाँ से इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। फिर सिलाई लगानी है। देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है, पिन को निकाल लेना है। फिर इसी तरह से हमें दोनों पार्ट की सिलाई लगानी है। तो अब देखिए, हमें जितना बॉटम रखना है उतने पे हमें निशान लगाना है और पूरे में सिलाई लगाकर रेडी करना है। यहाँ से मियानी को मियानी से अच्छे से मिलाएंगे और सिलाई लगानी है। अच्छे से पार्ट को मिलाते हुए अब जितनी हमारी हमें फोल्ड करना है उतने में हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी जितना हमने उधर का लिया था, 6 इंच हमने लिया था, तो 6 इंच इधर भी लेना है और इस तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। अब ऊपर में देखिए, हमें लगानी है अब इलास्टिक। पैंट हमारी रेडी हो चुकी है, सिर्फ हमें लगानी है इलास्टिक। तो इलास्टिक हमने जितना लिया है उतने में ही इस तरह से लाइन क्रिएट करना है और इलास्टिक जितनी आपकी कमर हो उससे 3 इंच कम लेना है। अब यहाँ भी हमें 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा कर रेडी करना है।
इस तरह से हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में सिलाई लगानी है, 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच तक छोड़ दिया है। यहाँ से इलास्टिक घुसाएंगे तो देखिए पिन की सहायता से हमें इलास्टिक को घुसानी है। तो यहाँ देखिए हमने पिन से अटैच किया है और इस तरह से हमें जैसे नाड़ा डालते हैं उसी तरह से हमें इसको डालकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ हमने इलास्टिक को डाल लिया है। तो अब दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से एक के ऊपर रखेंगे और अच्छे से सिलाई लगाकर रेडी करना है। अच्छे से हमें इसको ओवरलॉक कर लेना है सिलाई लगाते हुए। धागे को कट कर देना है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए घुसाएंगे और फिर यहाँ जो हमने छोड़ा था 1 इंच तक उसको हमें लॉक करना है। तो यहाँ देखिए खींचेंगे अच्छे से और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। अब धागे को कट कर देना है। अब 20 से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो अच्छे से इसको खींचते हुए सिलाई लगानी है। हाथों से प्रेस करेंगे अच्छे से, इलास्टिक मुड़ा हुआ ना रहे, कहीं सलवट ना पड़े। तो देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए हाथों से और खींचते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।